फिरोजाबाद के शहर शिकोहाबाद में राशन डीलर से संबंधित संगीन मामला प्रकाश में आया है। राशन डीलर की मनमानी से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मनीष राजपूत, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ तहसील शिकोहाबाद में उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दिए हुए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि राशन डीलरों की मनमानी से पात्र गृहस्थी अंत्योदय कार्ड धारकों को अनेकों अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राशन में कमतौल मिलना, इसके अलावा प्रतिमाह कार्टों में से एक से लेकर दो यूनिटों का राशन नहीं देना राशन डीलरों की आम बात हो गई है। इस तानाशाही से आम जनता परेशान है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष ने बीड़ा उठाया है और उपजिलाधिकारी को दिया है एक ज्ञापन। इसमें उपस्थित लोग कुछ इस प्रकार से है: रिंकी देवी, हसन बानो, दुर्गेश सोमवती, रसीद सबीना बेगम और भी अन्य शिकायतकर्ता। एक तरफ राशन डीलर की बात माने तो राशन डीलर का कहना है कि हमें ऊपर भी देना पड़ता है, इसीलिए हम राशन कम देते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा शिकोहाबाद से। जनता की समस्याओं को देखते हुए आज मुझे तहसील परिसर में आना हुआ। अभी एसडीएम साहब से मेरी बात हुई थी और बात राशन जो होल्डर हैं बाढ़ में उनकी समस्याओं को लेकर आज मेरा यहाँ आना हुआ है। जितने भी बाढ़वासी हैं उनको जब वो राशन लेने जाते हैं तो राशन डीलरों की मनमानी, प्रति यूनिट राशन कम देना और उनको राशन कम देने के नाम पर उनको डराया धमकाया जाता है। कहते हैं कि अगर आपने ऊपर शिकायत की तो हम आपके यूनिट को कटवा देंगे। इस वजह से अभी तक बाढ़ के लोग चुपचाप थे और जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने इनकी समस्या को देखते हुए आज एजीएम साहब से मिलने का मैंने समय निकाला। एजीएम साहब अभी है नहीं है तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब को आप ज्ञापन दे दीजिए। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।